इसे पहन लीजिए। क्यों? वरना आपको देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और फिर भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जैसे पहले भी हुआ था आपके साथ, याद है? बस बस यहाँ पे रोक दीजिए। रेस्टोरेंट? हम ऑलरेडी रेस्टोरेंट में ही है। यहाँ? हाँ, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? गॉश, ये तो अपने हाथ से खाना पका रहे, वो भी रोड के साइड पे। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं खा सकते। राजवीर जी, दुनिया में सब लोग अपने हाथ से ही खाना पकाते हैं, आप बेकार में परेशान हो रहे, एक बार ट्राई करके तो देख लीजिए। आइए। हम अपना सैनिटाइजर लाना भी भूल गए। आपको सैनिटाइजर की कोई जरूरत भी नहीं है, कितने सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती तो थोड़ी ना कोई यहाँ पर खाना खाने आ जाएगा। आपका नहीं, ये बेकार का वहम है। चलिए। पर अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। कोई कैसे सोच सकता है कि राज घराने से राजवीर रघुवंशी यहाँ पराठे खाने आएंगे। आइए। भैया, दो पराठे देना। चलिए शुरुआत कीजिए। आपको पता है इसमें कितनी कैलोरीज है? कितना मजा है, आपको पता है? और वैसे एक्सरसाइज करने से तो कैलोरीज बर्न हो जाती है ना, और फिटनेस का पहला रूल भी तो यही है, पहले खाओ और फिर एक्सरसाइज करो। चलिए खाइए, ट्राई तो कीजिए ना। टेस्टी है। तभी तो कह रही थी, पहले ट्राई कर लीजिए। गोलगप्पे आइए। घबराइए मत, आपने पराठे खाए, कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर आप गोलगप्पे भी ट्राई करके देखिए। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना, और तीखा और खट्टा मेरे लिए और इनके लिए। नहीं नहीं, तीखा नहीं। अरे, जब तक आँख से पानी नहीं आएगा तब तक गोलगप्पे खाने का क्या मजा है? ट्राई करके देखिए, खुल के खाइए, तभी तो मजा आएगा। ये तो काफी टेस्टी है। कहा था ना, जब तक खाएंगे नहीं तब तक खाने का मजा कैसे आएगा। टेस्टी है पर बहुत तीखा है। भैया, पानी मिलेगा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा पानी। गोलगप्पे खाने का कंपटीशन हो जाए? ये भी कोई कंपटीशन होता है? खेलने से पहले ही हार मान ली आपने? नहीं नहीं, हमने कोई हार वार नहीं मानी। भैया लगाइए, शुरू कीजिए कॉम्पिटिशन।
नंदनी, यू मेड माई डे. इतना अच्छा दिन हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं जिया. आज हमें जो पराठे और गोलगप्पे खा के जो मजा आया है, वो हमें लंदन के पोर्टेबेलो मार्केट में भी नहीं आया. एक मिनट पकड़ लो. हेलो, मिसेज नंदिनी राजवीर रघुवंशी. हाँ बोलिए. उस दिन रैली में आपके पति पर जो अटैक हुआ था, उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ मैं? जी बोलिए, बताइए कौन है वो? बता दूंगा, लेकिन बदले में पैसे देने पड़ेंगे. कितने? पूरे 50 लाख. और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ बताना मत. पुलिस, अपने पति या किसी को भी नहीं. तो पिछली बार तो तुमने अपने पति को बचा लिया था, इस बार बचा नहीं पाओगी, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारे पति की सुपारी दी थी मुझे, वो उसे मारे या ना मारे, मैं राजवीर को मार दूंगा. नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करें. तो वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूँ. लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? नंदिनी, राजवीर रघुवंशी को 50 लाख रुपयों के लिए सोचना पड़े. ये बात हजम नहीं हुई. पराठे खाए, गोलगप्पे खाए और अभी आइसक्रीम भी खा रही हैं आप. जरा हम गरीबों के लिए भी खाने पीने के लिए सोचिए. नंदिनी, किसका फोन है? जी वो नहीं मैडम, कहा ना मैंने किसी को मत बताना, वरना. अब वो रितु का फोन है. कुछ नहीं, मजाक कर रही है पागल. गुड, तो कल पैसों का इंतजाम कर लो और मेरे फोन का इंतजार करो. क्या हुआ, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. चलिए ना, हम घर चलते हैं. कहीं यहाँ के खाने से तो कुछ नहीं हुआ? हमें पहले ही इस बात का डर था, इसीलिए हमने मना किया था आपको ऐसी जगह आके खाने के लिए, पर आप मानी ही नहीं. चलिए अब ऑटो आइए. रुको रुको, ऑटो अंदर का ले जा रहे हो? सर आप जाओ, जाओ अंदर ले जाओ. राजवीर विजेंद्र रघुवंशी, दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री, ऑटो से उतर रहे हैं. मासा, इसमें इनके हमने आपसे पूछा? एक माँ अपने बेटे से बात कर रही है. माँ, किसी की वजह से आप खानदान की मान मर्यादा को ताक पर रखते हैं. क्या इतने कमजोर संस्कार दिए हमने आपको? जो कुछ कहना है अंदर चलकर कहिए. यहाँ पर खड़े होकर तमाशा करना हमारी मान मर्यादा के खिलाफ है. आपको इसका ख्याल होना हो हमें जरूर है. फिर क्या आप अपने सारे वादे और फर्ज भूल चुके हैं? इतना तो याद रखा होता कि कुछ दिन पहले आप पर हमला हुआ था और अभी तक वो हमलावर पुलिस के पहुंच के बाहर है.
आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दूसरे मौके की तलाश में हो सकता है? शायद आपके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए होगा। पिछली बार तो तुमने अपने पति को बचा लिया था, इस बार बचा नहीं पाओगी। अगर आज कुछ हो जाता तो राजवीर, आपको तो पता है ना, हमारे सियासी दुश्मनों की कमी नहीं है। मासा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी। फिर आप बीच में बोली। आपका ये सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, सुहागन का ये चोला दिखावे के लिए पहनती है या इसका मतलब भी समझती है? क्यों ढोंग कर रही हैं ये सब पहनकर, जब आपको अपने पति की जान की परवाह है ही नहीं? आपको पता भी है कि आपकी ये लापरवाही हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती थी? माँ, नंदिनी की कोई गलती नहीं थी। बस आप दोनों यही कीजिए, एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। हमने सारी जिंदगी लगा दी आपके पिता के सपने को सींचने में, दुनिया की अच्छी से अच्छी शिक्षा और परवरिश दी, पाल पोस कर आपको इस लायक बनाया कि एक बेटा अपने पिता का नाम रोशन करेगा। पर एक बेटे को अपने माँ की बात सुनाई दे तब ना, एक बार किसी की जान बचा लेने से उसकी जिंदगी को खतरे में डालने का लाइसेंस नहीं मिल जाता आपको। इस गलती के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नंदिनी बहू, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दादी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी लापरवाही, हमने आपको समझदार और जिम्मेदार समझा था और आप ही ने इतनी बड़ी भूल कर दी। हम सियासत से सारोकार नहीं रखते, पर हम जानते हैं कि सियासत दुश्मनी का दूसरा नाम है, जिसमें ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। शुक्र है कि कुंवर सही सलामत वापस आ गए, लेकिन हमारी एक बात गांठ बांध ले, अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो आपकी तमाम अच्छाइयां कम पड़ जाएंगी फिर से हमारा विश्वास पाने के लिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से हमारे कारण आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। हम डॉक्टर बुलवाएं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गलती तो है मेरी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत घर पहुंच गए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलिए। मासा और दादीसा का गुस्सा होना बिल्कुल सही था। आपको बॉडीगार्ड से दूर करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजवीर जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम बॉडीगार्ड से घिरे रहकर खुश नहीं। आपने महसूस किया कि हमें अपनी आजादी चाहिए। और एक बात का है, ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने नहीं समझा उस बात को जो हमारा दिल कहना चाहता था। किसी ने नहीं जाना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है सिवाय आपके।
रही बात माँ की, तो उनका गुस्सा कल तक ठंडा हो जाएगा और दादी को तो हम मना ही लेंगे। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है, मैं मासा से अभी जाकर बात करके आती हूँ। नंदिनी ये क्या कर रही हैं आप? माँ अभी गुस्से में, हम कह रहे हैं ना माँ का गुस्सा शांत हो जाने के बाद हम उनसे बात करेंगे। अभी काफी रात हो गई, आप सोने की तैयारी कीजिए। हाँ, आप हमारी नाइट ड्रेस भी निकाल दीजिएगा। उस दिन रैली में आपके पति पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ, लेकिन बदले में पैसे देने पड़ेंगे, पूरे 50 लाख। नंदिनी, जो हुआ सो हुआ, फॉर गॉड सेक प्लीज उसे भूलने की कोशिश कीजिए। क्या करूं, मैं भुला ही नहीं पा रही। पिछली बार तो तुमने अपने पति को बचा लिया था, इस बार बचा नहीं पाओगी। नंदिनी, हमें लग रहा है कि कोई बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। जरूर छुपा रही हैं। नंदिनी, ये एक तरफा नहीं होता। अगर आप हमारा चेहरा पढ़कर दिल की बात जान सकती हैं, तो हम भी आपकी आंखों से जान सकते हैं कि कोई परेशानी है जो आपको सता रही है। ये बात सिर्फ माँ और दादी के नाराज होने की नहीं, क्या बात है बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है? वो बस मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमसे अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? चलिए आइए, आराम कीजिए, आइए। चलिए सो जाइए, सो जाइए, आंखें बंद कीजिए।